अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि आप इजी पैसा अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में मनी किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास इजी पैसा ऐप होनी चाहिए मोबाइल में, और जिस बैंक में आपने मनी सेंड करनी है उसकी ऐप भी मोबाइल में मौजूद हो। तो ये आपके सामने दो मोबाइल हैं, एक में इजी पैसा है और दूसरे में UBL ऐप, डिजिटल ऐप है। तो अब इस इजी पैसा से मनी को सेंड करेंगे UBL अकाउंट में। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं जी इजी पैसा को। इजी पैसा ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी बैंक ट्रांसफ़र, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां से आप योर फेवरेट जिस भी पर्सन को आप मनी सेंड करना चाहते हैं उसका नाम, सबसे पहले पर्सन को सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बैंक बाय नेम बैंक, तो जो अकाउंट नंबर है जिस बैंक में भी अकाउंट मौजूद है पर्सन का उसे सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे पास जो है वो UBL है, तो सर्च बार में लिखते हैं जी UBL। तो ये देखें हमारे पास जो है बैंक एड्रेस आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेंड मनी की ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने एंटर करना है अकाउंट नंबर RIBAN नंबर, तो ये तकरीबन 24 डिजिट है, UBL बैंक है, दूसरे बैंकों के डिफरेंट होते हैं। इंटर पर्पस ऑफ पेमेंट क्यों भेजना चाहते हैं, और तीसरा है जी इंटर मोबाइल नंबर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है अगर आप इंटर करना चाहें। तो IBAN नंबर जो है वो यानी अकाउंट नंबर इंटर कर दिया। अब इसके बाद पर्पस ऑफ पेमेंट है, बार पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ जी लास्ट फैमिली फॉर एजुकेशन कर लेते हैं, और इसके बाद आप मोबाइल नंबर एंटर कर दें जिस पर्सन के अकाउंट में आप मनी सेंड कर रहे हैं ताकि उसे मैसेज रिसीव हो जाए। तो मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, ये देखिए जी मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया। अब इसके बाद ऑप्शन है नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप इंटर करेंगे 5 डिजिट पिन कोड, उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ब्राउज़ कर रहे हैं, ब्राउज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। काफ़ी टाइम ले रहा है, बैंक अकाउंट भी आ गए जिस अकाउंट नंबर पे आपने मनी को सेंड करना है पैसों को। अब कहते हैं अमाउंट, तो मैं आपको 1 रुपये पे इसको प्रोसीड करके दिखाता हूँ कि आप 1 रुपये तक भी जो है वो इजी पैसा ऐप से मनी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट इंटर करते हैं, मैंने 1 रुपये की, आप जितनी चाहे कर सकते हैं, वो एक लिमिट है, वो इजी पैसा अकाउंट को बता देगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे करने के बाद ये देखें जी जिस शख्स ने भेजे हैं आपको उसका नाम, और जिसको अकाउंट में रिसीव हुआ है उसका नाम। अब उसके बाद 1 रुपया है, तमाम डिटेल मौजूद है। अब आप सेंड नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए सेंड नाउ का बटन, प्रोसीजर स्टार्ट है। तो ये रिसीविंग हो चुकी है, ये देखिए जी दूसरे मोबाइल के ऊपर आपको रिसीविंग का मैसेज आ चुका है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए जी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, किसने आपको सेंड किए हैं, टाइम, बैंक अकाउंट, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद इस मोबाइल पर जो UBL अकाउंट है ऐप को ओपन करते हैं। तो ये मोबाइल ऐप को ओपन कर लेते हैं जी, ओ यार मैं देखूँ जो UBL ऐप अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ये अभी प्रोसीड कर रहा है। प्रोसीड करने के बाद लॉगिन करते हैं, या आपको एरर नज़र आता है उसे ऊपर की तरफ स्वीप करते हैं, स्वाइप ऑन, तो अकाउंट को लॉगिन करते हैं और स्वाइप करते हैं, एरो का निशान मौजूद है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करता हूँ। हाँ जी वो कह रहा है जी दूसरा मैसेज भी आ गया कि आपका क्रेडिट जो है वो बढ़ चुका है 1 रुपया। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं, तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करता हूँ जी। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद साइन इन का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट में जो है वो बैलेंस रिसीव हो चुका है।